एक बार फिर स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज मैं फिर एक नया जॉब अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें मैं आज PRA कंपनी के बारे में बताऊंगा, जिसमें की वैकेंसी आई है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। मैं कंटिन्यूअस डेली बेसिस पे जो भी वैकेंसी आती है, चाहे जो भी हो, काफ़ी सारा वैकेंसी मैं अपडेट करता रहता हूँ। कि कभी भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें नॉट ए सिंगल वन का, कि एक सिंगल प्रोजेक्ट का में सिंगल वैकेंसी काफ़ी सारा होता है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल काफ़ी सारा होता है। जो भी मेजर एक्चुअली मैं जो भी सिविल से रिलेटेड वैकेंसी अपडेट करता रहता हूँ कंटिन्यूस। तो अभी जो कंपनी है जिसमें मैं PRA कंपनी की बात करूँगा, और जो मेजर इसमें वर्क एक्सपीरियंस इन लोग को रिक्वायरमेंट है वो क्या है, रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। क्योंकि सारा काफ़ी सारा रेलवे स्टेशन रीडेवलप हो चुके हैं, जो क्या होता है रीडेवलप करना है, जो भी एक्स्ट्रा काम बाकी है उसको कम्प्लीट करना, जो भी हमारा रीडेवलपमेंट से वर्क रिलेटेड होता है वो सारा काम अभी चालू है, कंटिन्यूस अभी है। तो उसी में क्या वैकेंसी है कंपनी का नेम है PRA, तो उसमें बातें करते हैं। तो पहला पोजीशन है इसमें चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर का, नहीं चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर का इसमें डिमांड है पहला। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो BTech MTech सिविल, अगर BTech है फिर MTech दोनों में से कोई किया है तो वहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन अगर MTech लिखा है मतलब आप MTech वालों को पहले प्रिफेयर किया। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस की डिमांड किया जाए तो 15 से 25 ईयर का इन लोगों ने। नेक्स्ट मैनेजर HSC, यानी जो भी HSC ऐसे रिलेटेड वर्क किया है, यानी जो भी सेफ्टी से रिलेटेड वर्क होता है, सिविल डिग्री या फिर डिग्री या फायर एंड सेफ्टी किया तो भी यहाँ पे एलिजिबल है, तो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर डिजाइनिंग, यानी यहाँ पे जो भी है ये डिजाइनिंग से रिलेटेड है एक्चुअली पोस्ट, तो इसमें डिजाइन से रिलेटेड आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो मैं बोलूँगा इसमें अप्लाई करिए। इसमें कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा, 5 से 10 ईयर के बीच में, जो भी आप 5 के आसपास करिए, 4 ईयर 3 ईयर तो देन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें डिप्टी जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट एंड जनरल, ये जो पोस्ट का नाम है इसमें सिविल मटेरियल्स मैनेजमेंट एंड डिग्री, नहीं किसी में भी आपने किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग इस पोजीशन में किसी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, जो भी BSc यानी डिप्लोमा इन सिविल कुछ भी किया है, टेक किया है, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सैलरी आपको कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ है, देख पाएंगे सैलरी भी आपकी जो भी रहेगा क्राइटेरिया उसके हिसाब से फुलफिल कर दी जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई करने के लिए नीचे मैंने यहाँ पे दे रखा हूँ ईमेल आईडी यहाँ पे नीचे, यहाँ से जाके आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई भी करें तो आप सब्जेक्ट में अपना किस पोजीशन के अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ें जरूर मैंशन करें।